नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विजयदशमी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि शासन में जनता सबसे खास है और शासक के जीवन में घमंड, झूठ बोलने और वादे तोड़ने के लिए कोई जगह नहीं है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी लोगों को इस मौके पर शुभकामनाएं दी और कहा कि अंत में जीत सत्य की ही होती है। दशहरे पर अपने संदेश में सोनिया गांधी ने सभी के कल्याण की कामना की। उन्होंने कहा कि अन्याय पर न्याय, असत्य पर सत्य और अहंकार पर विवेक के विजय का सूचक दशहरा 9 दिनों की उपासना के बाद एक नए संकल्प के साथ हर हाल में कर्तव्य के पालन का सूचक है। शासन में जनता सर्वोपरि है और शासक के जीवन में अहंकार, असत्य और वचन तोड़ने का कोई स्थान नहीं है। यह विजयदशमी का सबसे बड़ा संदेश है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक सोनिया गांधी ने उम्मीद जताई है कि यह दशहरा न सिर्फ सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए बल्कि हम सबके बीच सद्भाव और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करे। उन्होंने लोगों से इस मौके पर यह भी अपील की कि वो त्योहारों के दौरान कोरोना महामारी से खुद को सुरक्षित रखे और सभी नियमों और परहेजों का पालन करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।